हाय फ्रेंड्स, मैं मीना पांडे, वेलकम बैक टू माय चैनल सर्व विद लव। आज मैं सूरत का स्ट्रीट फूड सुरती पनीर घोटाला बनाने जा रही हूँ। तो उसके लिए मैंने ये 150 ग्राम पनीर ले लिया है। ये पनीर को मैंने ग्रेट नहीं किया है, इसको मैंने ऐसे हाथों से तोड़ दिया है। तो इसमें जो है ये देखिए, कुछ यहाँ पे ये बारीक हो गया है और कुछ ऐसे थोड़े से ये मोटे मोटे से हैं। ग्रेट करने से क्या होता है कि वो पनीर हमारा उसमें गल जाता है तो पनीर का पता ही नहीं चलता। तो इसलिए मैंने पनीर को ऐसे हाथों से मैश कर दिया है। और अमूल का जो क्यूब आते हैं, छोटे छोटे से पीसेस होते हैं, उसको मैंने 2 क्यूब यहाँ पे ग्रेट कर लिया चीज़। 1 शिमला मिर्च मैंने चॉपर में ऐसे बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है, आप चाहिए तो इसको छोटे छोटे बारीक बारीक काट सकते हो। 4 टमाटर लेके मैंने चॉपर में चॉप कर दिया है, तो इसके भी छोटे छोटे पीसेस हो गए हैं, आप चाहिए तो छोटे छोटे पीस में भी काट सकते हो। गैस जला के मैंने कढ़ाई रख दिया है। इसी कढ़ाई में मैं 1 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ। तेल हमारा गर्म हो गया है, इसी में मैं 1 टीस्पून जीरा डाल रही हूँ। जीरा को अच्छे से चिटकने देती हूँ। जीरा हमारा चिटक गया है, इसी में जो मैंने ये शिमला मिर्च काट लिया है इसको डाल देती हूँ। साथ में जो टमाटर ले लिया, टमाटर भी डाल देती हूँ। इन दोनों को चलाते हुए अच्छे तरीके से पका लेती हूँ। मैंने इसमें लहसुन प्याज का यूज़ नहीं किया है। अगर आपको पसंद है तो आप जब जीरा डाला था उसी टाइम में छोटे छोटे काट के लहसुन और प्याज आप डाल सकते हो। और टमाटर में मैंने 1 मिर्ची और थोड़ा सा अदरक डाल के ही एक क्रश कर लिया था, बस उससे ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। टमाटर को मैं ऐसे पका लेती हूँ। इसमें टमाटर और शिमला मिर्च हमारा पक रहा है और इसी में मैं कुछ मसाले मिक्स कर लेती हूँ। मैंने 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर लिया है, 1 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। 1/2 टीस्पून रोस्टेड जीरा पाउडर डाल रही हूँ। 1/4 टीस्पून लाल मिर्च, घर की कुटी हुई लाल मिर्च है, इसको डाल रही हूँ। 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी ले लिया है, इस तरीके से हाथों से रब करके इसको डाल देती हूँ। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। कसूरी मेथी डाल देने से जो हमारी पनीर घोटाला बनेगा उसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। इस तरीके से मसाले डाल के मैं मिक्स कर लेती हूँ और ये जो टमाटर और ये शिमला मिर्च मैंने डाल रखा है अच्छे तरीके से पक जाएगा।